फोर्थ आउटकम है हमारा एक्सप्लेन री इंश्योरेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। री इंश्योरेंस क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस। कहते जी जस्ट एज इंडिविजुअल्स, जैसे इंडिविजुअल करते हैं कि वो अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ पर, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी हैव टू प्ले क्लेम, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कोई अगर किसी की पॉलिसी करती है और उनको क्लेम पे करना ही पड़ता है जैसे वो होता है। और कहते कि कुछ केस ऐसी होती है जब उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया कुछ लॉस का, बट अमाउंट ऑफ द क्लेम, ठीक है, बट पैरल डिपेंड नहीं करता किसी पे, वो अनसर्टेन है, ठीक है, तो वो उसका क्लेम अमाउंट बढ़ा सकता है, ठीक है। इसीलिए इंश्योरर नॉर्मली हैव इनफ फंड टू पे द क्लेम, बट इंश्योरर्स के पास फिर भी काफ़ी फंड होते हैं कि वो क्लेम पे करें। बट कहते हैं जी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, कुछ डिज़ास्टर्स होती हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, जो इंश्योरर पर एक स्ट्रेन डाल देती हैं क्लेम के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि उनको थाउजेंड ऑफ क्लेम अमाउंट पर पे करनी पड़ती है जो कि कुछ ज़्यादा ही मनी हो जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो जैसे इंडिविजुअल अपना रिस्क उस पर ट्रांसफ़र करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर, तो इंश्योरर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपना ट्रांसफ़र करते हैं रिस्क अनदर इंश्योरेंस कंपनी पर वो कितना रिस्क ट्रांसफ़र करती हैं, वो ऐसा नहीं कि वो सारा के सारा रिस्क अदर इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफ़र करती हैं। वो क्या करती हैं कि वो कुछ पार्ट उसका अपने पास रखती है, सर्टन पार्ट, कुछ जो उनकी लिमिटेड एक्सटेंड होती है, मींस कुछ लिमिट उन्होंने रखी है, तो उससे ऊपर वाला रिस्क वो अदर इंश्योरेंस कंपनी से वो कंपनसेशन लेती है, ठीक है। तो जो उसकी ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस है, ठीक है, और जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उसको बोलते हैं री इंश्योरर, ठीक है। और जो इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क, इसको प्रोसेस को कहा जाता है री इंश्योरेंस, ठीक है, जो अलाउ करती है पे का बर्डन, ठीक है, कम कर देती है प्राइमरी इंश्योरर पर, ठीक है। और ये आपस में इनका स्ट्रेन डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी इंश्योरेंस मींस जिस कंपनी से किसी पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस ली है वो, और दूसरा जो इंश्योरर ने जिससे पॉलिसी ली है री इंश्योरेंस, ठीक है, ये आपस में अपना स्ट्रेन डिवाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक जनरल इंश्योरेंस है, उसने फायर की पॉलिसी इशू की और एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉलिसीज, काफ़ी मात्रा में, बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उन्होंने पॉलिसी इशू की फायर्स की। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कहते जी रिस्क है वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है, इन द टर्म उनको रिस्क क्या है कि वो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी क्लेम्स की इंश्योरर को, ठीक है। तो कहते जी एक 12 महीने के पीरियड में वहाँ पे काफ़ी मेजर फायर्स लगी, ठीक है, और उनके सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्लेम्स जनरेट हुए, ठीक है, काफ़ी क्लेम आ गए उसमें। और यहाँ कुछ एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, यानी कि बहुत बड़ा मेजर, ठीक है, इवेंट हुआ, जैसे अर्थक्वेक, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, जैसे बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, जो इंश्योर्ड सी कंपनी से, जो इंश्योर्ड सी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उनको ह्यूज क्लेम पे करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा री इंश्योरेंस फंडामेंटल्स, जो बेसिक्स हैं री इंश्योरेंस के वो दिए हैं आगे। कहते जो ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर कॉल्ड री इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना रिस्क दूसरी इंश्योरेंस को कंपनी पर ट्रांसफ़र करने को हम री इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। कहते जब कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है जैसे अर्थक्वेक या ऑयल टैंकर स्पिलिंग ऑयल इनटू द सी, अगर सी में तेल वगैरह लीक हो जाता है, ठीक है, तो क्लेम जनरेट होते हैं और उसमें फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है इंश्योरर पर, ठीक है। तो इंश्योर और इसी इंश्योरर बर्डन पड़ने की वजह से उसने जैसे उसको प्रॉमिस किया होता है कि हाँ जी कोई भी लॉस होने पर आई विल पे योर क्लेम, तो वो अपना प्रॉमिस पे करता है, प्रॉमिस पर रखता है कि उनका क्लेम पे करता है, बट इंश्योरर ट्रांसफ़र, बट कुछ कंडीशन में वो अपना लॉस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में वो अपना कुछ लॉस ट्रांसफ़र करता है अनदर इंश्योरर पर, ठीक है। जब कोई कहते जी वन इवेंट होता है कुछ, कहते जैसे वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है कुछ, तो जो प्राइमरी इंश्योरर है तो वो उसका रिस्क जो उसमें क्लेम आया है तो उसका कुछ पार्ट वो पे करता है और कुछ पार्ट री इंश्योरेंस पे करता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी पेड बाय री इंश्योरेंस। कहते इंडिया में जैसे सारे इंश्योरर्स हैं
उसको कंपलसरी सीडिंग करना पड़ता है 10% ऑफ देयर प्रीमियम्स टू द नेशनल इंश्योरेंस दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरेंस। इसमें क्या बताया गया है कि जो जो इंडियन इंश्योरेंस है, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसको कंपलसरी अपना 10% ऑफ द प्रीमियम, ठीक है, री इंश्योरेंस को देना पड़ता है। जो अभी इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरेंस है, यानी कि उसका अपना 10% GIC को देना पड़ता है, ठीक है। ये पहले था, अभी 5% है इसमें सीडिंग, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट कि इंश्योरर कुछ रिस्क अपने तक रखता है, रिटेन रखता है, ठीक है, उसकी सर्टन लिमिट होती है, रिटेंशन लिमिट है। उसके बाद जो रिस्क आता है, उसके बाद जो क्लेम होता है, अमाउंट होता है, वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र टू द री इंश्योरेंस। कहते जी जो री इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज है वो एक्सक्लूसिवली री इंश्योरेंस में डील करती हैं, बट फिर भी री इंश्योरेंस कैन बी डन बाय एनी इंश्योरेंस, ठीक है। कहते री इंश्योरेंस की स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, बट फिर भी कोई भी इंश्योरर री इंश्योरेंस एज अ काम कर सकता है, ठीक है। तो अभी री इंश्योरेंस कौन, हम जाने कैसे कि कौन एज अ री इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए सम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स है और इसको अरेंज करना भी काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है, री इंश्योरेंस को। सम ऑफ द कहते हैं जी ब्रोकर्स एज ए इंटरमीडिएट काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के बीच और एज ए री इंश्योरेंस अरेंज करवाते हैं दूसरी कंपनी को, जो उनका लिस्ट जो उनका रिस्क एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करना चाहती है, कर सकती है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ क्या होता है कि दो कंपनीज में ट्रीटीज़ होती, संधि होती है कि हाँ जी ये आपका इतनी लिमिट तक आपका रिस्क आएगा, देन वो विल पे, तो वो पे करते हैं, ठीक है। ट्रीटीज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड री इंश्योरेंस स्पेसिफाई रिटेंशन लिमिट्स और द वेरियस, जैसे मैंने बताया तो वैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट कि ट्रीटीज सर्टन पोर्शन ही पे करती हैं जो अंडरराइटर सेट करता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो ट्रीटीज होती हैं उसमें एक प्रपोर्शन सेट कर दिया जाता है, वो उसी लिमिट में अगर लॉस आएगा तो वो पे करेंगी, अदरवाइज दे विल नॉट पे, ठीक है। कहते री इंश्योरेंस कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। उनका ऑप्शन है रिफ्यूज़ करना पर्टिकुलर रिस्क को, ठीक है, एक्सेप्ट करने को, ठीक है। और सम ट्रीटीज व्हेन द लॉस एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द री इंश्योरेंस गेट्स इन्वॉल्व। जब कुछ ट्रीटीज में ऐसा होता है कि जैसे पहले बताया गया, ऑलमोस्ट सेम ही है ये सब, कि जैसे पहले बताया गया कि जब वो सर्टन लिमिट से, ठीक है, लॉस एक्सीड कर जाएगा तभी वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, अदरवाइज वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। एक एग्जांपल देखना है यहाँ पे, एक डायग्राम दिया है इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे इंश्योरेंस कंपनी 1 है, 2, 3, 4, ये डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है, ये अपना सीडिंग कर रही हैं री इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। ये मानो 10% लिखा था ना यहाँ पे, 10% सीडिंग कर रही हैं, ठीक है। अगर किसी का लॉस ज़्यादा आ गया तो वो पे नहीं कर सकता, तो उसको वो हेल्प करेंगी वो पे करने में,